असंभव कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। और मैं आज तो आपको बहुत ईमानदारी से और 12 साल के तजुर्बे का निचोड़ निकाल के बता सकता हूं कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर लीदी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब, और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन किसी बैरे ने इस बात सुना नहीं और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के जिसका नाम था 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पत्या और बैंकॉक चले जाते हैं। लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया, साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। ये बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा साला किसी स्कूल में गया नहीं आज तक। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन, मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन, माई मदर टोल्ड मी आई वुड एंड आई बिलीव माई मदर रादर देन डॉक्टर। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है, उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती ये लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल, लेकिन मां क्या बोलती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर, बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए, मंद बुद्धि कहा जाता था। 8 साल के थे, घर पहुंचे, माँ को चिट्ठी दिया। When he was 8 year old, came to his home, given letter to his mother, माँ को एक चिट्ठी दिया, माँ ने वो चिट्ठी पढ़ा, 8 साल के थे, और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था उसकी माँ के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिख के भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने बड़े हो गए। मंद बुद्धि बचपन में समझा जाता था, आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं, तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। तो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सन, आप अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाइए, हम लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। और उसकी मां ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई।